हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्लू मून आइसक्रीम। मैंने सोचा सर्दी आने वाली है तो एक बार तो आइसक्रीम बनती है, तो इसलिए आज हम बनाने वाले हैं ब्लू मून आइसक्रीम। तो जल्दी से दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स और फिर फटाफट बनाते हैं। तो ब्लू मून आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 2 पैकेट मैंने कोकोनट मिल्क लिया है, हमें चाहिए रसबेरीज, ये फ्रोजन वाली रसबेरीज है। ब्लू मून आइसक्रीम है तो इसलिए ब्लू कलर, वेनिला एसेंस, आधा चम्मच नींबू का रस और पाउडर्ड शुगर। तो सबसे पहले हम बोल में ये कोकोनट मिल्क जो लिया है ये डाल देते हैं। इसको मैंने रात को फ्रिज में रखा था ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए, हमने इसको शेक नहीं करना, एज इट इज बोल में ट्रांसफर कर लेना है। अब ये जो थोड़ा लिक्विड है ये हम निकाल देंगे, हमें थिक वाला पार्ट चाहिए। अब मिल्क को हम ब्लेंडर से अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। जैसे हम व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करते हैं वैसे इसको भी हमने व्हिप कर लेना है। कोकोनट मिल्क को व्हिप करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप ये देख सकते हो मिल्क जो हमारा है थिक होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, 2 चम्मच चीनी। अब इसको फिर से हम ब्लेंडर से मिक्स कर लेते हैं। अब ये रसबेरी जो हमने ली है इस पे कितनी बर्फ जमी हुई है ये निकाल लेते हैं और ये हम दूध में मिक्स करने वाले हैं। बैटर हमारा थिक होना शुरू हो गया है, अभी भी इसको हम मिक्स करेंगे। आइसक्रीम को जितना आप ज्यादा फेंटोगे, ब्लेंडर ज्यादा चलाओगे, उतनी ज्यादा सॉफ्ट बनेगी, तो इसलिए हम इसको अच्छे से बीट करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, रसबेरीज जो है वो थोड़ा खट्टी होती हैं, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कम या ज्यादा। मैंने इसमें 2 चम्मच पहले ऐड करे थे, 2 बार 4 चम्मच होगी और 2 चम्मच हम और डालने वाले हैं इसमें। भी आप सोच रहे होंगे कि आइसक्रीम तो ब्लू मून है लेकिन कलर इसका पिंक है, तो ब्लू मून कैसे बनेगी? तो उसके लिए हमने ये फूड कलर लिया ब्लू, ये इसमें डालने वाले हैं, इससे ब्लू कलर आ जाएगा। और 1/2 चम्मच नींबू का रस। तो 1/2 घंटा हो गया मेरे को इसको बीट करते हुए। आप ये देख सकते हो इसका टेक्सचर थिक हो गया, लेकिन नींबू का रस डालने से वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो इसका कलर थोड़ा सा पर्पलिश आ गया। तो अगर आप प्रॉपर ब्लू कलर चाहते हो तो नींबू का रस अवॉइड कर सकते हो। इसको अब हम प्लास्टिक की शीट से ढक के 1/2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए। उसके बाद 1/2 घंटे बाद हम फिर से इसको निकालेंगे, मिक्सी में बीट करेंगे और फिर फ्रीजर में रख देंगे। ये प्रोसेस हम 4 बार करने वाले हैं। 4थी बार हम जब करेंगे फिर इसको हम एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख देंगे। अब 1/2 घंटा हो गया है, ये आइसक्रीम हमारी ऐसे थिक हो गई है, तो एक बार इसको फिर से मिक्सी में चर्न कर लेते हैं।
अब इसको फिर से फ्रीजर में रख देते हैं ढक के, और आधे घंटे बाद फिर से हम मिक्सी में चर्न करेंगे इसको। अब ये हमने चार बार ऐसे कर लिया, अब एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको हम कम से कम 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगाएंगे और ऊपर से कवर कर देते हैं। तो लगभग 4 घंटे हो गए, आइसक्रीम निकाल के देख लेते हैं। A few moments later, ये इतने अच्छे से हमारी ब्लू मून आइसक्रीम जम चुकी है, बहुत ही एकदम सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है, बहुत क्रीमी। अब आइसक्रीम तो हमारी बन गई, टेस्ट कौन करेगा? तो आज टेस्ट करने आ रहे हैं हमारे छोटे शहजादे, क्यूट से, छोटे से, प्यारे से, नन्ने मुन्ने शहजादे, नन्ना मुन्ना राही मेरा। तो मैं आया था अभी जिम से, तो मम्मी ने बोला आज ही तू जिम गया, आज तेरी डाइट खराब करूंगी, आ जा। मैंने कहा ठीक है। जब भी मैं कुछ टेस्ट करने को कह देती हूँ तो कह देते हैं मैं तो भाई जो आप समझ रहे हो, प्यारी समझ गई। मैं डाइट पे हूँ। आज आपके किचन में क्या नया बनाया? आज मैंने नया आइसक्रीम बनाई है, मैंने सोचा कुछ मीठा हो जाए। लो आप सब पे खाओ। बोलो नहीं मजी है ना? मजा आया। कौन से फ्लेवर है? गेस कर, तू बता। देखते हैं आज ये प्रोफेशनल टेस्टर हमारा। प्रोफेशनल टेस्टर निश्चय है? निश्चय है, निश्चय का छोटा भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे पता ही नहीं था। अच्छा आपको पता नहीं? मुझे पता नहीं था। चलो शुक्र इनको बताया है। सिर्फ खाई नहीं जानी, बताना भी है क्या किस चीज का टेस्ट ज्यादा आ रहा है प्रोमिनेंट? ये हमारा प्रोफेशनल टेस्टर भी नहीं बता पाता कि इसमें धनिया, वो करी पत्ता को तो धनिया बोल देता है। तो ये है रसबेरी और कोकोनट मिल्क। रसबेरी मेरे को पता चल रहा था। अच्छा, और कोकोनट मिल्क मेरे को नहीं पता चल रहा। कोकोनट मिल्क का टेस्ट इतना अच्छा आ रहा है ना, वेरी यम्मी, मतलब यम, सच में अच्छी है। आप लोग अपने घर पे ट्राई करो और मैं ये पूरे लेके जा रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मिलते फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।